एक बार फिर स्वागत है। बुंदेलखंड अंचल का कुछ ही वर्षों पहले जिला बने निवाड़ी में भी राजनीतिक उफान अपने चरम पर है। जिले में दो विधानसभा सीटें हैं जिन पर राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। तो इस जिले में क्या है राजनीतिक मिजाज, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। टीकमगढ़ से अलग होकर कुछ ही वर्षों पहले जिला बना निवाड़ी महज दो विधानसभा वाला जिला है। यहाँ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 46 निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 45 में राजनीतिक दल अपना जोर लगा रहे हैं। जिले की अधिकांश आबादी कृषि पर आश्रित है, लिहाजा कृषि से जुड़े मुद्दे यहां राजनीति में अहम किरदार अदा करते हैं। ओरछा इसी जिले का हिस्सा है, वहीं जिले से बेतवा एवं जमीनी नदी निकलती हैं। प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के इस जिले में ओरछा, तरीचर, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जैरोन नगर परिषद है। जिले में कुल 4,11,455 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 2,14,734 तो महिला मतदाता 1,96,718 हैं। यहाँ पर 368 मतदान केंद्र पर 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिले की पृथ्वीपुर सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच है, जबकि निवाड़ी सीट पर भाजपा कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी टक्कर है। पृथ्वीपुर सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार नितेंद्र सिंह राठौर को तो बीजेपी ने मौजूदा विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव को मैदान में उतारा है। वहीं निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र 46 से भाजपा ने अनिल जैन को, कांग्रेस ने अमित राय को और समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया है। वहीं अवधेश सिंह राठौर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। निवाड़ी विधानसभा में 2008 से 2013 तक मीरा यादव समाजवादी पार्टी से विधायक रहीं, तो 2013 से 2023 तक अनिल जैन भाजपा की ओर से लगातार दो बार विधायक रहे और अब तीसरी बार वे मैदान में हैं। देखिए, हम अपने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें पुनः विधानसभा क्षेत्र 45 पृथ्वीपुर से प्रत्याशी बनाया है और हमारे ऊपर भरोसा जताया है। और ये भरोसा जो पार्टी ने जताया है वो हमारे विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर की जनता के आशीर्वाद के आधार पर ही जताया है। जनता का आशीर्वाद पहले भी मुझे मिला था और पुनः भी मुझे प्राप्त हो रहा है। निस्संदेह यहाँ एक तरफा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीते। देखिए, स्वर्गीय पिताजी ने अपने जीवन में कई काम किए, 5 बार वो विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे और किसी से छुपा नहीं है इस क्षेत्र में जब वो पहली बार विधायक बने तो न सड़कें थी, न स्कूल थे, न अस्पताल थे। 80% क्षेत्र में वो सड़कें बनाकर गए, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए। साथ ही साथ उन्होंने जो सपने देखे थे कि नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत और कुएं में लेकर आना है, क्योंकि नदी का पानी जब तालाब में आएगा तो हमारे केवट समुदाय के लोगों को मछली पालन करने में फ़ायदा होगा, तालाब का पानी जब खेत और कुएं में आएगा तो हमारे कुशवा समुदाय लोगों को सब्जी भाजी करने में फ़ायदा होगा, और क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है तो लोगों को बेहतर सिंचाई की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ नौजवानों के रोजगार के लिए वो काम करना चाहते थे जिसे उनका बेटा पूरा करेगा। मेरा भरपूर प्रयास यही रहेगा कि स्वास्थ्य के लिए अपने विधानसभा में मुद्दा उठाऊंगी कि हमारी निवाड़ी विधानसभा में स्वास्थ्य की पूरी कमियां हैं और उद्योग भी नहीं है। जो विकास भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, जो विकास होने चाहिए थे, तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मैं निवाड़ी में करवाऊंगा, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के विषय हो, युवाओं को रोजगार दिलाना हो। जिले के मतदाता स्थानीय मुद्दों को महत्व देते हुए देश और प्रदेश की राजनीति में साफ नियत से काम करने वाले उम्मीदवार का इस चुनाव में साथ देने की बात कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि जनता के वोटों का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। विधानसभा चुनाव 2023 सामान्य निर्वाचन के लिए निवाड़ी जिले में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। यहाँ कुल मतदाता 4,11,455 है, तो वहीं पुरुष मतदाता 2,14,734 हैं। महिला मतदाताओं की बात करें तो 1,96,718 मतदाता महिला हैं। तीसरे जेंडर की बात करें तो 3 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। यहाँ 368 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। अब यह देखना है कि 17 नवंबर को जनता किसके पक्ष में वोट करती है, इसका पता आगामी 3 दिसंबर को लगेगा। निवाड़ी से दूरदर्शन भोपाल के लिए सुधीर कुमार जैन। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल की